हेलो गाइस, मेरा नाम है कैरन सिदाना और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इसको मैं बोलता हूँ विच इज द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन से द सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कहने का मतलब यह है कि वो वाली जगह जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चार्जेस और करंट की बातें होंगी। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, ये कुछ इंपॉर्टेंट बाद में लिखी हुई है और ये है जी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और एसआई यूनिट्स के। एक एक करके हम सभी चीज को समझते हैं। सो सबसे पहले जो क्वांटिटी आती है जिस चार्ज और उसका एसआई यूनिट होता है कूलम, ठीक है जी। चार्ज क्या होता है, इट इज अ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ अ मैटर विच बाय विच एनी मैटर कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर। जो मैटर की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है जिसके कारण वो किसी भी दूसरे मैटर को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है, ठीक है जी। चार्ज की जो एसआई यूनिट है विच इज कूलम, इसके जो सिंबल आपको ध्यान से याद करने हैं। चार्ज का जैसे एक सिंबल क्यू और कूलम का सिंबल है सी। उसके बाद आता है जी करंट। करंट का फॉर्मूला लिखा हुआ आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इस फॉर्मूले से करंट की डेफिनेशन बन जाती है। करंट की डेफिनेशन बनेगी कैसे, इट इज अ चार्ज पर यूनिट टाइम, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम विच इज कॉल्ड करंट। करंट का सिंबल होता है जी आई और उसके एसआई यूनिट होते हैं एम्पियर। नाउ हाउ यू विल डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर तो होता है ये तो हमको पता लग गया, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे। अब डिफाइन करेंगे किससे, इस फॉर्मूले से। जैसे करंट के जो एसआई यूनिट है क्या है, वो एम्पियर। चार्ज के क्या होते हैं, कूलम, अभी बड़ा है। और टाइम के क्या होते हैं, सेकेंड। सो डेफिनेशन कैसे बनेगी इसी फॉर्मूला से, द करंट इज सेट टू बी वन एम्पियर, द करंट इज सेट टू बी वन एम्पियर व्हेन वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन वन सेकेंड थ्रू अ सर्किट। ये हो गई आपकी डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर। उसके बाद आता है जी सेकेंड फॉर्मूला, क्यू इज इक्वल टू एनी, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब जो भी टोटल चार्ज होगा किसी भी मैटर पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो कैसे निकलेगा, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको ई के साथ, ई क्या है, बेसिक यूनिट चार्ज, और ई की वैल्यू होती है 1.6 इनटू 10 रेज़ टू आवर -19 कूलम। जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है व्हिच इज 1.6 इनटू 10 रेज़ टू आवर -19 कूलम, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस थर्ड फॉर्मूला देखिए, W बाय Q, W मींस वर्क डन एंड Q मींस चार्ज, V मींस पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कैसे बनेगी इस फॉर्मूला से, सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हेन वी कैरी अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है जी। अगर इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट यूज करेंगे तो सिर्फ यूज करेंगे वर्ड पोटेंशियल, अगर यूज करेंगे वर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर सो वी यूज द वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है जी। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इन्फिनिटी से टू अ पर्टिकुलर पॉइंट तो ओनली पोटेंशियल, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना आपको डब्ल्यू बाय क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस के जो एसआई यूनिट है वो है वोल्ट, ठीक है। वोल्ट को भी वी से ही डिनोट करते हैं। अब एसआई यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे, इसी फॉर्मूला से डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे वन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होगा, बिटवीन टू पॉइंट्स, ओके। द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी वन वोल्ट बिटवीन टू पॉइंट्स व्हेन वर्क डन, गैस यूनिट क्या होता है, जाउल। व्हेन वन जाउल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ वन कूलम। आपको डेफिनेशन भी दिख रही होगी, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको रट्टा मार लेनी है, अगर रट्टा नहीं लगता तो ये फॉर्मूला याद करो, इस फॉर्मूले से डेफिनेशन बन जाएगी। उसके बाद फोर्थ रेजिस्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस क्या होती है, जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा होता है किसी भी कंडक्टर से तो इट विल फील अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मींस कुछ बैरियर्स फील करता है चार्ज जब भी वो पास करता है किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर से, ओके। तो उस बैरियर को, उस रुकावटों को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के जो एसआई यूनिट है इट इज कॉल्ड ओम। ओम एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने एक लॉ दिया था विच इज कॉल्ड ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ की एक फॉर्मूला है जी वी इज इक्वल टू आई आर, वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, आई फॉर करंट एंड आर फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है जी। इसको याद कैसे करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ओम्स लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है जी। ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। उसके बाद ये है जी ओम,
किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस के। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? क्योंकि जो जो भी हम यूनिट बता रहे हैं उसको डिफाइन भी करना आना चाहिए हमको, ठीक है जी। सो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, किसी सर्किट की, किसी कंडक्टर की होगी ना। सो द 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस वी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड एंड करंट पास थ्रू इट इज 1 एम्पियर। जो जो भी क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स याद करो और उससे डेफिनेशन बना लो, ठीक है जी। सिंपल सा गणित है इसके पास। इसके बाद आता है जी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द रेजिस्टेंस ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड। रेजिस्टेंस 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एक होता है लेंथ और दूसरा है जी एरिया। लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। अगर आपको डायग्राम ध्यान से दिख रही होगी तो इसमें एक वायर शो की गई है, एक कंडक्टर शो किया गया है जिसकी लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का मतलब है जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, ठीक है। और इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, एरिया को समझ सकते हो कि थिकनेस ऑफ दैट वायर ऑफ दैट कनेक्टर, अगर थिकनेस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी, ठीक है जी। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। कंबाइन करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमने क्या लगाया, एक इक्वल टू और एक कांस्टेंट। और यहां पर जो कांस्टेंट है इट इज कॉल्ड रो, जो सिंबल है कांस्टेंट का जो क्या है जी, रो। रो का मतलब क्या होता है? मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, कि कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। अगर बुक की भाषा में बोले तो रो का एक मतलब क्या होता है? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। डिनोट करते हैं सिंबल से, सिंबल का नाम है रो और उस क्वांटिटी का नाम है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और मतलब क्या है सिंपल भाषा में, कि कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। और इसका जो फॉर्मूला है, 5th फॉर्मूला, R is equal to rho L by A, ठीक है जी। उसके बाद जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है, इसके जो एसी यूनिट है इसको बोलते हैं जी ओम मीटर। इसकी डेफिनेशन नहीं याद करनी, इसके सिर्फ आपको यूनिट्स याद करने की ओम मीटर होते हैं। उसके बाद आता है जी इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर के जो एसी यूनिट होते हैं वॉट, जो हम बल्ब और ट्यूब्स वगैरह यूज करते हैं, इसके सुना ना कि इतने वॉट की ट्यूब है जी, 12 की है, 20 की है, ठीक है। वॉट क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ पावर, एस यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। 8th फॉर्मूले पे डायरेक्ट आ जाओ, सीधा 8th फॉर्मूले में, ठीक है। पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है। पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, वी इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, आई स्केयर इंटू आर, ठीक है, और वी स्केयर अपॉन आर। ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। डेराइव कैसे हुए ये आपको याद नहीं रखना, सिर्फ फॉर्मूले याद रखने, इनके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। अब आपने देखा होगा 6th और 7th फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इनके ऊपर हमेशा कोई ना कोई न्यूमेरिकल आता ही आता है, चाहे कोई सर्किट डायग्राम आ जाए या चाहे कोई सीधा न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है। तो 6 और 7 देखो, RS मीन्स रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर 3-4 रेजिस्टेंस है और सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि एक के साथ एक, ठीक है, पहला रेजिस्टर फिर दूसरा फिर तीसरा, नाल आए हुए जी, ठीक है, नाल लाए हुए ने रेजिस्टर मित्रा, ओके जी। तो उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी, RS इज इक्वल टू, करेंगे क्या, सीधा प्लस कर देंगे, तो वी विल गेट द आंसर ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। उसके बाद अगर पैरेलल की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला ये है जी, 1/RB इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। अगर 4 हो गए तो 1/R4 भी लगा देंगे, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पक्का है जी, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और जो आपके मंथली टेस्ट, जो स्कूल में टेस्ट हो रहे उसमें भी जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट फॉर्मूला आता है जी हीट। हीट क्या होती है, ठीक है, हीट का जो हिसाब किताब है वो भाई साहब ने दिया था जाउल ने, विच इज कॉल्ड जाउल लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, जाउल लॉ ऑफ हीटिंग। जाउल लॉ ऑफ हीटिंग कहता क्या है कि जो भी कोई कंडक्टर होगा उस में से जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, इट विल प्रोड्यूस हीट, तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा,
ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर मींस जितना करंट ज्यादा होगा उतनी हीट ज्यादा, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी हीट ज्यादा, जितना के जितने टाइम के लिए हम करंट पास करवाएंगे उतनी हीट ज्यादा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी कंबाइन करके आ गया जी फॉर्मूला एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। इसके टोटल तीन फॉर्मूले है, आई एच इज इक्वल टू वी आई टी वोल्टेज करंट टाइम, उसके बाद आई स्क्वायर आर टी करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस टाइम, और उसके बाद वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। अगर आप एट्थ और नाइन्थ फॉर्मूला देख रहे हो तो इसमें सिर्फ टाइम का फर्क है, जो भी पावर के फॉर्मूले उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। ठीक है जी, ये थे कंप्लीट एसआई यूनिट्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और उसके बाद ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। वैसे तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, जाऊल। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो उसके भी एसआई यूनिट क्या होंगे, जाऊल होंगे, बट हम यूज करते हैं कमर्शियल यूनिट, जो हम बिजली का बिल पे करते हैं उस पे लिखाते हैं कि इतने यूनिट यूज हो गए, इतने यूनिट कंज्यूम हो गए। जो कमर्शियल यूनिट है विच इज कॉल्ड किलो वॉट आर, किलो वॉट आर, और एसआई यूनिट जाऊल और कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, इनके बीच में रिलेशन क्या है, मैथमेटिकल रिलेशन, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इनटू 10 रेज टू पावर 6 जूल। ये थे आपका इलेक्ट्रिसिटी का पूरे चैप्टर की रिवीजन। अब हम करेंगे जी इसके क्वेश्चंस, और आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करना क्योंकि इन सी फॉर्मूले से यहां से सब कुछ आएगा। ठीक है, ये वाला टेबल मैं इरेज नहीं कर रहा, ये आप टेबल अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हो। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको आपने याद करना। ठीक है, ये वाला रिलेशन बिटवीन किलो जाउल किलोवाट आवर एंड जाउल, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी आपको याद करना है। आई होप आपको याद तो हो गए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। बस आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चंस में दिया गया हुआ है और पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या पूछा है ये क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, और चार्ज कितना है 1 कूलम, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एन की वैल्यू पूछी हुई है, क्यू की वैल्यू दी हुई है, और ई की वैल्यू तो हमको पता ही है 1.6 इनटू 10 रे टू पावर -19 कूलम होती है, तो क्यू इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला लग जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला लग गया, उसके बाद वैल्यू फिल कर दो, 1 कूलम इज इक्वल टू एन की वैल्यू पता करनी है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इनटू 10 रे टू पावर -19 कूलम, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1 कूलम / 1.6 इनटू 10 रे टू पावर -19 इज इक्वल टू एन, n की वैल्यू आ जाएगी 6.25 into 10 raised to power 18 is equal to n, ये आ जाएंगे number of electron which combine which constituent। ठीक है, जो combine हो गए जो कि total charge बनाएंगे कितना 1 कूलम। ठीक है जी, उसके बाद second question है हमारा कि draw a diagram। ठीक है, diagram draw करनी है हमने, draw a diagram of a circuit constituting a battery of 3 cells of 2 voltage, means हमारे पास बैटरी है जिसके 3 सेल है। ठीक है, कर देते अभी कर देते, उसके बाद क्या पूछा हुआ है, 2 volt each, 5 volt रेजिस्टर है, 5 volt नहीं 5 ohm होगा, हाँ 5 ohm रेजिस्टर, 8 ohm रेजिस्टर, ठीक है, एंड 12 ohm, मतलब 3 रेजिस्टर गिवन है, 5 ohm 8 ohm और 12 ohm का रेजिस्टर। ठीक है, प्लग की ऑल इन सीरीज, मींस जो 3 रेजिस्टर है वो सीरीज है, देखो 1, 2, 3, ये हो गए जी हमारे 3 रेजिस्टर, ये है 5 ohm का, 8 ohm का, और कितना जी 12 ohm का। ओके, उसके बाद हमने क्या लगानी है, एक बैटरी लगानी है जिसमें 3 सेल हो। अब ध्यान से देखो तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैंने 3 3 ही लगाया। ठीक है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, टोटल बैटरी की वोल्टेज हो गई जी 6 वोल्ट, बड़ा बड़ी लाइन जो सिंबल है वो पॉजिटिव और छोटी नेगेटिव। ठीक है जी, बस
एक प्लग की, प्लग की का मीन्स होता है स्विच, इस की का मीन्स होता है स्विच, कि हम स्विच ऑन कर रहे हैं ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। बस और तो कुछ होगा नहीं, तो सर्किट हो गया जी हमारा कंप्लीट, ठीक है। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया एंड रेजिस्टिविटी, विच इज कॉल्ड फॉर्मूला नंबर 5, ठीक है। तो सिंपल करके पहले देखते हैं कि सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है और उसकी लेंथ एल है, थिकनेस, ठीक है, जो थिकनेस है विच इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो ए है, ठीक है, मटीरियल रेजिस्टिविटी रो है और रेजिस्टेंस आर है, ठीक है जी। हमारे पास जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ एल है और एरिया ए है, ठीक है। और मैंने अब दूसरा रेजिस्टर लेके आया, ठीक है, जिसकी लेंथ, अब इसकी जो न्यू वाला रेजिस्टर हमारा, इसकी लेंथ है जो वो है 12, एरिया सेम है जैसे पहले था और मटीरियल भी सेम है जैसे पहले था। अब इसकी रेजिस्टेंस बतानी है कि कितनी होगी। अगर रेजिस्टेंस L है, सॉरी, अगर लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी विच इज 2R, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेंथ डबल हो गई। हमने पहले ही बताया था कि अगर लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। और अगर हमने एरिया को डबल कर दिया, एरिया ओनली, इफ वी इंक्रीज ओनली एरिया, एरिया को डबल करा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एरिया एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, रिमेंबर, ठीक है। अब इसके बाद अगर सपोज हमने एरिया को हाफ कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, अगर एरिया को हाफ करा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, कितना टाइम बढ़ेगी, 2 times हो जाएगी, ठीक है। इसको हाफ करा तो रेजिस्टेंस बढ़ गई, एरिया डिक्रीज, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अब ध्यान से मेरे क्वेश्चन को सुनना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज करो हमारे पास कोई वायर थी, ठीक है, जिसकी सेम रेजिस्टेंस आर है, लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो रो है। अब हमने क्या करा, उस वायर को हमने खींच के बड़ा कर दिया, उस वायर को हमने खींच के बड़ा कर दिया और उसकी जो लेंथ है वो पहले से डबल कर दी। अगर पहले लेंथ एल थी तो हमने उसको खींच के उसकी लेंथ 2L कर दी, ठीक है। मटेरियल तो वही रहा, मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ, अगर मटेरियल चेंज नहीं है तो रो को रो ही लिख लेंगे, ठीक है। अब इसकी रेजिस्टेंस जो है वो न्यू आ जाएगी, इसको हमने आर डैश लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान से मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देना कि अगर हम लेंथ इंक्रीज करेंगे ऑफ एनी वायर बाय स्ट्रेचिंग तो क्या एरिया के ऊपर फर्क पड़ेगा या नहीं। ध्यान से सुनो मेरे क्वेश्चन, अगर हमने लेंथ को इंक्रीज करा, अगर एक वायर को खींचा और लेंथ को इंक्रीज करा तो क्या एरिया के ऊपर फर्क पड़ेगा या नहीं। तो आंसर आएगा जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। क्यों? इसको हम एक डेमोंस्ट्रेशन से समझते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास एक इलास्टिक है, वायर तो है नहीं और एक इलास्टिक है, ये ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, ठीक है। अगर इसकी लेंथ एल है, ध्यान से देखना, इसकी लेंथ ये है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है। अगर मैंने इसको खींचा और खींच के बड़ा कर दिया तो क्या इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर फर्क पड़ा है नहीं। क्या ये जो वायर है, सॉरी वायर नहीं, ये जो रबड़ है, जो रबर बैंड है, क्या ये पतला नहीं हो गया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, क्या ये पतला नहीं हो गया, हो गया ना। इसका मतलब है कि अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया कम हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। कितना कम होगा, अगर लेंथ डबल करी तो एरिया हाफ हो जाएगा। इसको ध्यान से अपने दिमाग में नोट डाउन कर लो, तो एरिया क्या हो जाएगा जी, हाफ हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अगर लेंथ डबल करी और एरिया हाफ हो गया, और इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा कि लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस डबल हो गई और एरिया हाफ करने से भी रेजिस्टेंस डबल हो गई। इट मींस जो हमारी न्यू रेजिस्टेंस आएगी, इट बिकम 4 times दैट ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि रेजिस्टेंस 20 ohm है और हमने लेंथ को खींच के बड़ा करके 2L कर दिया, ठीक है, तो न्यू रेजिस्टेंस बताओ कितनी होगी। तो इट बिकम 4 times, मींस 20 × 4 = 80 ohm अपनी रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल ही है, सिंपल क्वेश्चन है।
ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रेजिस्टेंस, फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रेजिस्टेंस बाय कंबाइनिंग फोर रेजिस्टर. चार रेजिस्टर हमको गिवन है, 4 ओम, 8 ओम, 12 और 24. अब ध्यान से सुनो, सिंपल ही है ठीक है, कि चार रेजिस्टर है हमारे पास ठीक है जी. चार रेजिस्टर है, R1 है, R2 है, R3 है और R4 है. इनकी वैल्यूज भी गिवन है हमको, कितने कितने गिवन है. ये जी गिवन है एक की 4 ओम ठीक है, फिर 6 ओम, फिर 12 ओम और 24 ओम. ये वाला जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये आपने न्यूमेरिकल अच्छे से कर लिया तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा, सभी न्यूमेरिकल हो जाएंगे ठीक है जी. अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड द लार्जेस्ट सॉरी हाईएस्ट एंड लोएस्ट. अगर कभी भी हाईएस्ट रेजिस्टेंस पूछ ले कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस पता करनी है तो रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करें, तो उसका आंसर सिंपल ही है, सीरीज में कंबाइन कर दो, आंसर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि देखो सीरीज का फॉर्मूला क्या है कि R1 प्लस R2 प्लस R3, जो भी रेजिस्टेंस हो गए उसको हमने क्या करना है, डायरेक्ट ऐड कर देना. अगर डायरेक्ट ऐड करेंगे तो हमको मैक्सिमम वैल्यू आएगी, हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगी. अगर रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे तो क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू, तो उसको बोलते हैं लोएस्ट रेजिस्टेंस ठीक है. तो लोएस्ट रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है तो सभी को किस कॉम्बिनेशन में लगा दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दो ठीक है. तो आंसर निकाल लो, सीरीज में आंसर क्या आएगा, 4 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 24 इतना आएगा, 10 प्लस 12 प्लस 24 इतना आएगा, 6 और 4 46 ओम आ जाएगा जी इन सीरीज. और यू कैन से द हाईएस्ट रेजिस्टेंस. अगर लोएस्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो क्या करो, आरपी ये वाला फॉर्मूला, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो भी उसको रेसिप्रोकल कर दो, 1/4 प्लस 1/6, 1/12 प्लस 1/24, एलसीएम ले लो जी, कितना आएगा 24 ठीक है. उसके बाद बस एलसीएम को सॉल्व करना है तो आंसर आ जाएगा अपना ठीक है. 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, देखो कितना आएगा, 6 और 4 10 और 2 12 1 13, 13 बटे 24, तो आरपी इज इक्वल टू 24 बटे 13. अगर आपने कोई गलती करी तो यही करोगे कि आपने सीधा आंसर लिख देना 13/24, नहीं जी ये वाला आंसर नहीं होगा. अगर रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालनी है तो जो भी अपना आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल करोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस इन पैरेलल आरपी का हमने आंसर निकालना होता है, ना कि 1/RP का. तो ध्यान रखना ठीक है, ये हमारी आ गई लोएस्ट रेजिस्टेंस. अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर ईच ऑफ 6 ओम, 6 ओम के 3 रेजिस्टर गिवन है, सो दैट. अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बढ़िया, देखो क्या लिखा हुआ है कि 3 हमको रेजिस्टर गिवन है 6 ओम ईच ठीक है, सो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज 9 ओम और 4 ओम ठीक है. R1 R2 और R3 गिवन है कितने, 6 ओम. हमको कुछ ऐसा करना है कि ऐसे कॉम्बिनेशन करना है सीरीज और पैरेलल में, ताकि एक बार आंसर आए हमारा 9 और दूसरी बार आंसर आए हमारा 4. तो कैसे कर सकते हैं, अगर हमको सारे सीरीज में कर दें, सपोज सारे सीरीज में कर दें तो कौन सा आंसर क्या आएगा, 6 + 6 + 6 = 18, तो 18 तो पूछा नहीं है. अगर पैरेलल में कर दें 1/6 + 1/6 + 1/6 अगर पैरेलल में कर दें हम वैसे ही तुक्का लगा रहे ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, 3/6 काट के 1/2 आरपी आ जाएगा जी 2. तो आंसर 2 भी नहीं है, इसका मतलब ना ही डायरेक्ट सारे सीरीज में ना ही सारे पैरेलल में, तो कैसे करें, तो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन एक साथ यूज करना पड़ेगा. तो कैसे कर सकते हैं, देखो एक लगाया, दूसरा लगाया, अब तीसरा जो लगाएंगे इसके पैरेलल में कर दो, या फिर और क्या कर सकते हैं, एक लगाया दो लगाया, सॉरी 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 जी ऐसे नहीं, ऐसे दो हमने कॉम्बिनेशन बना दिए, दो कॉम्बिनेशन बना दिए ठीक है. ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, 6 6 6 दो तरह के केस कर दिए, एक का आंसर 4 आएगा, एक का आंसर 9 आएगा ठीक है. अब ध्यान से देखना कैसे देखना, ये कौन सा कॉम्बिनेशन, देखो 6 और 6 ये वाला है जी सीरीज कॉम्बिनेशन, तो
सीरीज कॉम्बिनेशन छे और छे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फर्स्ट वाला आर वन प्लस आर टू, छे और छे कितने हो जाएंगे जी 12, तो नीचे वाला छे लगा दिए, ठीक है, ये वाला 12 और ये वाला छे, इसका आंसर कैसे निकालेगा, 1 by RP is equal to 1 by 12 plus 1 by 6 LCM आ गया जी 12, 1 plus 2, 3 by 12 काट के 1 by 4, तो RP की वैल्यू होगी 4। अगर हमने 4 ओम रेजिस्टेंस आंसर निकालना है तो कैसे करेंगे, दो लगाओ सीरीज में और जो भी उनका आंसर आएगा उसको लगा दो पैरेलल में, ठीक है। सेकंड केस को देखो ध्यान से, पहले ये वाला सॉल्व करोगे, ये वाला 6 plus 6, 6 plus 6 12, ठीक है जी, इसका तो आंसर आ गया जी 12 ओम। अब ये वाला 6 तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये क्या किस कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 6 प्लस 12 कितने हो गए 18, ये वाला आंसर ठीक है, नहीं गलती हो रही है यहाँ पे, बहुत बड़ी गलती हो रही है अगर आपने नोट करी तो, 6 और 6 ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, तो इसका आंसर 12 आएगा, इसका आंसर 12 आएगा नहीं, तो इसका आंसर कैसे आएगा भाई साहब, इसका आंसर आएगा ये वाला फॉर्मूला यूज करके, पैरेलल वाला 6 और 6 1 by 6 plus 1 by 6 कितना आंसर आया 2 by 6, हमने निकालना है पैरेलल में इस दोनों का आंसर, तो आंसर आया 1 by 3, तो RP कितना आ गया, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 ओम, मतलब इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा 3, और ये वाला 6 तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, 6 और 3 ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया सीरीज, और 6 प्लस 3 का आंसर आ जाएगा जी 9 ओम। अगर 9 ओम रेजिस्टेंस का आंसर निकालना है तो कैसे करेंगे, 2 को पैरेलल में और उसका जो भी आंसर आएगा कॉम्बिनेशन आएगा उसको सीरीज में करते हैं, ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू है, ठीक है। A piece of wire is cut into 5 parts. एक हमारे पास वायर है, ठीक है, और उसको क्या करा हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर हमने एक रेजिस्टेंस लिया, एक वायर ली और उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मींस लेंथ को कम करा, अगर लेंथ को कम करा तो क्या कम हो गई रेजिस्टेंस, देखो ध्यान से, अगर एक वायर है, ठीक है, हमने कितने पार्ट करे 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, मतलब ये हो गया हमारा R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है। पहले जो हमारी वायर थी ये वाली, इसकी रेजिस्टेंस थी R, अब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो गया, ठीक है जी, समझ आती है, क्या लिखा है, द पीस ऑफ वायर कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, देन दीस पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये जो पार्ट्स है R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 R5, इसको क्या अगर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दिया, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज R डैश, अब इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R डैश है, तो क्या पता करनी है हमने, रेशियो पता करनी है R बाय R डैश, आपको ऑप्शंस भी दिख रही होगी, ठीक है, हमने बस ऑप्शन को देखना है और ऑप्शन के हिसाब से हमने आंसर बताना है, ठीक है। तो कैसे करें, ध्यान से देखो, क्या किया हमने कि एक जो रेजिस्टर था उसके 5 इक्वल पार्ट्स करे, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती, लेंथ और एरिया, एरिया का तो आया नहीं कुछ, हमने क्या किया कट किया, लेंथ को डिक्रीज किया, ठीक है, मतलब लेंथ अगर 5 टाइम्स कम हुई तो रेजिस्टेंस भी कितने टाइम्स कम होगी 5 टाइम्स, इसका मतलब R1 R2 R3 R4 और R5 इन सभी की रेजिस्टेंस होगी R/5, ये बताओ समझ आया कि नहीं, क्योंकि लेंथ को हमने क्या करा था 5 टाइम कम किया तो रेजिस्टेंस भी 5 टाइम कम हो गई, सो डिवाइड बाय 5 R/5, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करना है, पैरेलल का फॉर्मूला आरपी वाला, तो लगा देंगे 2 प्लस 1 बाय R3 प्लस अप टू सो, तो लगा दो फॉर्मूला, तो इसका इनवर्स करना ना, ये भी R1 R2 R3 इनवर्स करेंगे तो 5 बाय R प्लस 5 बाय R, ठीक है, बस अगले यही लिखते जाना है और आंसर हमने कर देना है 5 बाय R, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, R 5 5 5 5 5 कितनी बार 5 बार 25 1 बाय RP, तो उल्टाएंगे तो RP इज इक्वल टू R बाय 25, ये हमको गिवन है कि कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस क्या आ रही है R डैश, मींस R डैश का ये फॉर्मूला आ गया,
ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड आउट रेशियो ऑफ आर बाय आर डैश, आर बाय आर डैश, ठीक है। देखो ध्यान से, आर बाय 25 इज इक्वल टू आर डैश। अब हमने रेशियो पता करनी आर बाय आर डैश, क्या करें, 25 को इधर, आर डैश को इधर, आर बाय आर डैश इज इक्वल टू 25, ये हमारी आंसर आ गई। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है जी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, पता ना आपको, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ गई होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो पढ़िए और स्टार्ट करिए क्वेश्चन को। लो जी, ये हो गया वायर वाला, हो गया अब थ्री रेजिस्टेंस वाला भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके जी, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट, देयर आर द थ्री बल्ब्स, तीन बल्ब जीवन आपको, एक है जी 40 वाट का, 60 वाट का और 100 वाट का, ठीक है। ये मतलब बल्ब दिए हुए, पावर का कुछ लगेगा इसमें, ठीक है, पावर का फॉर्मूला लगेगा, ओके। एट 220 वोल्ट, एट 220 वोल्ट, ठीक है जी, समझ आ सकते, 220 वोल्ट विच विल बी एट हाई रेजिस्टेंस, किसकी रेजिस्टेंस हाई होगी, पूछा है किसकी रेजिस्टेंस हाई होगी, 40 की, 60 की या 100 की, ठीक है। और आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, 220 वोल्ट मतलब अगर तीनों बल्ब को, तीनों डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस किसमें सेम होता है, देखो दो तरह के कॉम्बिनेशन आपने पढ़े हुए, सीरीज और पैरेलल, सीरीज में करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंस वो डिफरेंट होता है तीनों रेजिस्टर में, और अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में करंट तीनों रेजिस्टर में डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, तो कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये समझ आती है। अब इसके बाद ये तो दी हुई है पावर, तो पावर का अगर फॉर्मूला देखो ध्यान से, तो एक तो वी स्क्वायर अपॉन आर, और दूसरा फॉर्मूला है जी आई स्क्वायर इनटू आर। अगर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के बेस पे ध्यान दें तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, अगर ध्यान से इसको देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो कौन सा यूज करें, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या दी हुई है, वोल्टेज, दीज आर हैविंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस, अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन तो 1/R, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी, 1/R, तो ये वाला नहीं लगेगा। अब जितनी पावर ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस कम, तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हाई रेजिस्टेंस कितनी होगी, किसकी होगी, जिसकी रेजिस्टेंस हाई उसकी पावर कम, तो आंसर आ जाएगा हमारा 40 वॉट, 40 वॉट हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ठीक है जी, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एन इलेक्ट्रिक मोटर, आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, एन इलेक्ट्रिक मोटर वाला क्वेश्चन आ गया, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर क्या है, करंट की वैल्यू क्या है, 5 एम्पियर, ओके, फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, ठीक है, वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट, समझ आता है, डिटरमाइन पावर ऑफ मोटर, बिल्कुल सिंपल बेकार क्वेश्चन, कौन सा फार्मूला, 8th, P is equal to B into I, तो P is equal to B into I लगाएंगे, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो करेंगे ही ना, समझ रहे हो क्या है, हमारी बात तो समझ आ रही है तन्ने, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22 into 5, ये तो बहुत घनी भाई गणित हो गई, ठीक है, 22 into 5 कितना आएगा, 110, तो 110 और एक जीरो ये आ गया जी, 1100 वॉट की पावर आ गई हमारे पास। तो नेक्स्ट में क्या पूछा हुआ है, एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, एनर्जी, अब एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, एच हीट, हीट मींस एनर्जी, तो एनर्जी कैसे आएगी, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो पावर है 1100 वाट, तो टाइम देखो, टाइम है 2 घंटे दे हुआ है, तो 2 घंटे को कैसे करें, वॉट और आर में आंसर आएगा, तो हमने सेकंड में कर देना है, 2 घंटे को क्या करें, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है जी, बस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 6 36,
36 into 2, 72. और 72 into 11, 792. कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा. ठीक है, तो जीरोस गिन लो, 1, 2, 3, 4. Into 10 raised power 4, what into second क्या आ जाएगा जी? जूल. ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है, एनर्जी कितनी आएगी? 792 into 10 raised power 4, जूल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी हमारा, देखो स्क्रीन पे आ गए. बस दो तीन क्वेश्चन रह गए. कितने क्वेश्चन रह गए भाई? दो, टू ओनली. ओके, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक करंट 5 एम्पीयर. रेजिस्टेंस गिवन है जी हमको 20 ओम. ओके, करंट गिवन है जी हमको 5 एम्पीयर. ठीक है, कैलकुलेट हीट डेवलप इन 30 सेकंड्स. टाइम गिवन है इन 30 सेकंड्स. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये हीट का क्या किया? आर आई टी, आर आई टी. तो फॉर्मूला लग जाएगी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इनटू टी. तो पुटिंग द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स. ठीक है, लो जी, करंट 5 और 5 25 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 23, 25 इनटू 2 50, 50 इनटू 3 150, 150 और 2 जीरो अलग से, तो ये आ जाएगा जी हीट 15,000 जाउल का आंसर. तो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सही है. विच यूज मोर एनर्जी. एनर्जी का फॉर्मूला है जी, एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे. विच यूज मोर एनर्जी, एक तो है जी 250 वॉट का टीवी सेट कितना टाइम बर्त रहे हैं? इन 1 आवर, एक घंटा. और या फिर 1200 वाट का टोस्टर. ओहो टोस्टर भाई, सैंडविच खाएंगे टोस्टर. इन 10 मिनट्स. तो ध्यान से सोचने वाली बात है, ये भी वाट में, ये भी वाट में, ये तो ओके है जी, ये तो आर में है, ये कौन सा है? मिनट में. तो कैसे करें, कैसे करें? मिनट को, इसको मिनट में करें, नहीं सॉरी, इसको आर में करें या इसको मिनट में करें, कैसे करते हैं? सेकंड में नहीं, घंटे में चेंज कर दो, घंटे में कर दो. ओके, क्या पूछा हुआ है? एनर्जी. इसकी भी क्या पूछी हुई है? एनर्जी. तो एनर्जी का फॉर्मूला पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो पावर कितनी? 250 एक घंटा. तो कितना आ जाएगा? 250 वाट. और आर में आंसर आ जाएगा जी एनर्जी का. हमने तो कंपैरिजन करना है. ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम. तो 1200 इनटू टाइम कितना? 10 मिनट. अब घंटे में चेंज कर दो, तो मिनट को घंटे में चेंज कैसे करोगे? डिवाइड बाय 60. ठीक है, कितना आएगा? 200 वाट आर. ये आगे जी एनर्जी. अब ध्यान से अगर देखोगे तो कौन सा बड़ा है? ये 250 बड़ा है. तो हमारा जो टीवी है वो ज्यादा एनर्जी खाएगा एज कम्पेयर टू टोस्टर. इसका मतलब टीवी ज्यादा चलाओ, सैंडविच कम खाइए. ठीक है, खाने से मोटे हो जाते हैं. तो बस ये थे हमारे क्वेश्चंस. उम्मीद करता हूँ कि ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. इसमें हमने इंटायर न्यूमेरिकल्स और सभी थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया है. ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और करेंगे. तब तक पढ़ते रहिए. जय हिंद.